जी साहब आए हमारे यहाँ जो है, चूँकि हमारे शहर के हैं, वो भी बनारस के ही हैं, और बनारस के लोगों के लिए पूछें, अपने इष्ट मित्रों के लिए हाल चाल लिए। हमारे भंडारे पे तो आए ही थे चूँकि, मगर हम सभी भंडारों पे वो जाते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे शहर का है, अपने शहर की वजह से यहाँ पे आते हैं, ऐसा नहीं है। सभी भंडारों पे वो जाते हैं, एक तरीके से आपके स्टेट के वो हैं, गार्जियन हैं। तो हम सभी यहाँ पे जितने भी भंडारे वाले हैं, तो ऐसा किसी को न लगे कि भाई वो अपने शहर वालों के पास गए, हमारे पास नहीं है। तो वो सबके पास जाते हैं, खाली ऐसा नहीं कि हमारे पास आते हैं, सभी के पास जाते हैं। देखिए बगल में भंडारे में, गुजरात के भंडारे में, उन्होंने पूछा केम छो, उन्होंने बोला मजा माँ। सबसे बड़ी बात क्या है एलजी साहब के अंदर, कि वो अपने अधीनस्थ लोगों के भी बहुत मतलब कि ध्यान देते हैं, इतना वो केयर करते हैं, ये मतलब कि बहुत केयरफुल व्यक्ति, अपने से पहले वो दूसरे की फिक्र करते हैं। तो ये बहुत मतलब उनका, उनकी सज्जनता की बहुत बड़ी ये वो है। हमारे मोदी जी का जो मतलब कि विजन है, वसुधैव कुटुंबकम, ये सारे लोग हमारे हमारा परिवार है, सारे लोग। ये नहीं कि आप कोई दूसरे धर्म से हैं, आप कोई दूसरे धर्म से, आप ईसाई हैं, आप मुस्लिम हैं, आप पारसी हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनका विजन है कि सभी लोग हमारे अपने परिवार हैं, हमारे अपने भाई बंधु हैं, हम लोगों को सबसे अच्छा मतलब कि ये सब लगता है कि मतलब हमारे जो लीडर हैं, इतना बढ़िया इनका विजन है, ये देख करके तबीयत खुश हो जाता है जो है। तो हम लोगों को ये सब चीज़ें सीखने का मौका मिल रहा है, हम लोगों को ये सब चीज़ों को जो है ऑब्जर्व करने का मौका मिल रहा है, कि हम लोगों को जो है भाई हम ऐसे ही बड़ों से सीखेंगे। तो ये सब चीज़ें उन लोगों से हम लोगों को अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं। खुद को तो देखो ये बाद में, पहले औरों को देखो। लगा ही नहीं हम लोग किसी मतलब इतने बड़े राज्यपाल के बीच में हम लोग बैठे हैं, हम लोग लग रहे हैं अपने एक अपने घर के हमारे वो हैं सदस्य, हम सदस्य हैं और हम उनके सदस्य बेटे की तरह हैं। तो हम लोग उसी तरह यहाँ पे बैठे सभी के बीच में, सब कुछ उन्होंने अपना स्नेह प्यार दिया, आशीर्वाद दिया।